सैयालम पुलिस ने एक 341/23 क्राइम में जो 427 और 506 के IPC सेक्शन पे जो केस रजिस्टर हुआ उसमें अक्यूज को पकड़ा गया। ये केस है कि जो कल हम लोग को पता चला मेघा रानी अग्रवाल जो BJP चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट है उन्हें अपना रैली निकाला और वो ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने के लिए जो तो कल उनका नॉमिनेशन डाला था तो उनका जो रास्ते में उनको कई जगह नीचे कीले दिख गए तो उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनका जो रास्ते को या उन लोगों का जो प्रयास है जो इलेक्शन पे लड़ने का उसको कोई सैबोटेज करने के लिए वो कुछ कोशिश कर रहे हैं बोल के उनको डाउट आके कंप्लेंट किया। जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आया तो हम लोग एक्ट करना शुरू किया था एंड चार अलग अलग टीम बनाए ताकि पता करने के लिए कौन वैसे जो रास्ते में कील डाला। तो हम लोग कल रात को 10 बजे 10:30 बजे के आसपास हम लोग का कंप्लेंट आया था बट तब से हम लोग शुरू कंटिन्यूसली काम पे लगे हुए थे। लोग CCTV फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग कर करके हम लोग दो लोगों का आइडेंटिफाई किया जो नरसिम्हा और राकेश बोल के दोनों रैक पिकर्स हैं कचरा उठाते हैं और एंड रात शाम को लोग जाके क्वाइन शॉप के भी साफ करते हैं। तो उन लोग का हम लोग CCTV फुटेज से उन लोग को आइडेंटिफाई किया और उन लोग से जाके पूछताछ किया तो उन लोग बोला कि एक सुमन बोल के एक बंदे ने उनको पैसा दिया और ये करने के लिए बोला। सुमन को अभी पकड़ा गया तो शशांक कर लिया सुमन तो उनको भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग उसको क्या इंटेंशन है पता करने के लिए हम लोग उसके पीछे क्वेश्चनिंग चल रहे हैं। ये सारी जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन जो अक्यूज को पकड़ने में जो कामयाबी आए थे उनका मेन रीज़न से जो इंस्पेक्टर हुसैन आलम का सुरेंद्र और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के स्वामी और SS नवीन और जो लोकल क्राइम जवान श्रीनिवास चारी ये चारों ने बहुत मेहनत करके इन लोग अक्यूज को पकड़ा। इन लोग को हम बधाई बात बोल रहे हैं एंड CP साहब ने बोला कि इन लोग को भी रिवॉर्ड रोल देंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह ये इलेक्ट्रल प्रोसेस को फ्री एंड फेयर रखने के लिए सारी एफर्ट्स सारी जितने भी प्रिकॉशन लेना सब ले रहे हैं और जैसे भी वैसे कोई भी इलेक्शन रिलेटेड अफेयर्स हो उनको तुरंत हम लोग पकड़ने के लिए भी जैसे कि आप देख रहे 24 घंटे के अंदर ही अक्यूज को पकड़ेंगे हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं और साथ साथ हम आपके थ्रू सारी सबको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई भी इलेक्शन अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है किसी तरफ की किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन है तो तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दीजिए ताकि हम लोग उसके ऊपर एक्ट करेंगे एंड उसको जो मेन मकसद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे सक्सेसफुल रहने पे आपका हेल्प चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। Thank you.